तो जी हाँ दोस्तों, कॉमन फ्लू का सीज़न है, बदलता मौसम है और इंडिया के मौसम में इस समय सर्दी खांसी ज़ुकाम होना एक आम सी बात है। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल रहा है तो लोगों में डर है कि कहीं मुझे भी कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। तो कैसे आप घर बैठे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है या फिर आपको नॉर्मल सर्दी खांसी ज़ुकाम है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, कोरोना वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसमें कुछ सिम्टम्स आपको अलग से दिखाई देंगे। जो सबसे पहला सिम्टम है वो है बुखार। 90% मरीज जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है उनको बुखार हुआ है, तो फीवर जो है सबसे पहला आपका अंदेशा रहेगा। फीवर के साथ साथ अगर आपको सूखी खांसी है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है जो कि नॉर्मली खांसी में हमें नहीं होती है, तो ये तीन लक्षण अगर पाए जा रहे हैं तो ये खतरे का साइन हो सकता है। अगर ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको इनमें से सांस लेने में तकलीफ़ वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मल कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आपको जनरली पैनिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको अगर सर्दी खांसी ज़ुकाम जैसा कुछ लग रहा है तो आप पैनिक नहीं करेंगे, आप सबसे पहले एक एंटी एलर्जिक लेंगे। एलर्जी अगर आपकी दूर हो जाती है तो आपके सिम्टम्स कंट्रोल होने लगेंगे। अगर आपके 2-3 के अंदर अंदर सिम्टम्स कंट्रोल होने लगते हैं एंटी एलर्जिक से, और ओवर द काउंटर जो केमिस्ट के पास आपको कफ सिरप मिलते हैं वो पीने से अगर आपकी एलर्जी कंट्रोल होने लगती है, तो दैट मींस आपको नॉर्मल इन्फेक्शन था, 2 दिन के अंदर अंदर आपको आराम मिल जाएगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एंटी एलर्जिक लेने के बाद, खांसी का सिरप लेने के बाद भी बीमारी कंट्रोल नहीं होती है और तीसरे दिन आपको ज़्यादा ही बीमारी बढ़ते हुए दिखाई देती है, तो आप तुरंत जाके अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर से संपर्क करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी असेसमेंट के लिए, इसके डायग्नोसिस के लिए टेस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। वो टेस्ट जो है भारत सरकार ने 53 गवर्नमेंट लेबोरेटरीज के थ्रू करना शुरू किया है। हर स्टेट में अपनी एक गवर्नमेंट लेबोरेटरी है। ये स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हो कौन कौन सी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में ये टेस्ट हो रहा है, और साथ ही साथ इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी ठेका दिया है जहां पर आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। पैसों का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि कितने पैसे प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में लगेंगे, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज़ में ये टेस्ट अभी फ़िलहाल फ्री है, लेकिन 4500 रुपये तक की लिमिट जो है वो सरकार ने ज़रूर लगा दिया इस टेस्ट के ऊपर कि कोई भी लेबोरेटरी जो है आपसे 4500 रुपये से ऊपर नहीं ले सकती है ये टेस्ट करने के लिए। तो ये लेबोरेटरीज़ की लिस्ट भी जो है मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, जहाँ पे PDF फाइल आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी लेबोरेटरीज़ में ये टेस्ट अभी अवेलेबल है प्राइवेट लेबोरेटरीज़ में अगर आप कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपका कोई भी सवाल है COVID-19 डिजीज़ को लेकर तो कमेंट ज़रूर करिए मेरी वीडियो के नीचे, मैं ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। और एक चीज़ और मेरे दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।